गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है धर्मभूषण जैन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ, दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया। और ये केस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएससी का है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर असेसी ने अपनी प्रोफेशन से इनकम दिखाई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम दिखाई। जो असेसी का केस पिक हुआ था वो एक लिमिटेड स्क्रूटनी पे पिक हुआ था। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये क्वेरी आई थी कि आपने जो इनकम दिखाई है वो मिसमैच करती है, और सेविंग बैंक के अंदर लार्ज कैश डिपॉजिट्स के ऊपर असेसी का स्क्रूटनी के अंदर, लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर केस पिक हुआ था। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जब कोई स्क्रूटनी के अंदर केस पिक हो जाता है तो असेसिंग ऑफिसर का ये ध्येय रहता है कि कोई ना कोई एडिशन तो जरूर करनी है, और कई बार तो वो इस एडिशन करने की अवध में इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि जिस मुद्दे पर एडिशन करनी होती है वो तो छोड़ देते हैं और लॉ की सारी मर्यादा को पार करके कोई ना कोई एडिशन जो है वो जरूर करते हैं। तो ये केस भी उसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ना तो सेविंग बैंक में जो कैश डिपॉजिट हुआ था उस पर कोई एडिशन हुई, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिसमैच था उसके ऊपर कोई एडिशन हुई। जाते जाते असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये देखा कि एसएससी ने कोई लोन लिया हुआ है 18% के ऊपर और उसके ऊपर जो ब्याज दिया हुआ है उसको डिसअलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि एसएससी ने इससे एग्रीकल्चर इनकम परचेज करी है, पुराने लोन्स एंड एडवांसेस को रीपे किया है, और ये कहकर के एसएससी का एडिशन कर दिया। एसएससी ने अपना जो भी लोन लिए थे उसका चार्ट सबमिट किया था। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने कोई लोन ही नहीं लिया था। और जो एसएससी का एक मेन फैक्ट था वो ये था कि जो करंट असेसमेंट ईयर था वो असेसमेंट ईयर 14-15 था। असेसमेंट ईयर 13-14 का भी एसएससी का केस हुआ था, और उससे आगे वाले साल असेसमेंट ईयर 16-17 का भी एसएससी का केस हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई भी एसएससी की एडिशन जो है वो नहीं की गई थी। एज फार एज डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने कोई लोन ही नहीं लिया। पिछले सालों के स्क्रूटनी के अंदर और जो कमिंग ईयर थे, नेक्स्ट ईयर थे, उसके अंदर कोई एसएससी की एडिशन नहीं हुई, और फिर भी असेसिंग ऑफिसर साहब ने एडिशन कर दिया। जब एसएससी इस एडिशन के अंगे सीआईटी अपील के पास गया, सीआईटी अपील ने तो कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता, उन्होंने तो जो ऑर्डर एओ का आया है उसको आगे खिसकाने के लिए यह अपीलेट अथॉरिटी रह गई है। बहरहाल एसएससी जो है वो आईटीआईटी के पास गया, और जब आईटीआईटी के सामने सारे तथ्य आए तो सबसे पहले तो आईटीआईटी ने यह कहा कि जब एसएससी ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है और ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने कोई लोन ही नहीं लिया, पिछले साल के अंदर कोई एडिशन नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर में कोई एडिशन नहीं हुई, तो करंट ईयर में आप क्यों एडिशन कर रहे हैं? और दूसरी बात कि जो एसएससी है उसका जिन मुद्दों के ऊपर केस रीओपन किया गया था उनके अंदर आपने कोई एडिशन नहीं करी, और यदि आपको अपनी स्क्रूटनी का स्कोप बढ़ाना था तो आपको पहले प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से परमिशन लानी थी, तो वो भी परमिशन आप नहीं लेकर के आए। तो यू कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लिमिटेड स्क्रूटनी बियॉन्ड द परमिशन ऑफ द कमिश्नर और द प्रिंसिपल कमिश्नर। तो यहां पे एसएससी को, जो खुद एसएससी बेचारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप ये सोचें कि नॉर्मल एसएससी का तो डिपार्टमेंट क्या भूत बनाता होगा, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करते होंगे, ये एक भगवान जानता है। लेकिन इस केस के अंदर एसएससी को आईटीआईटी से जाकर के रियायत मिली। जिस मुद्दे पर स्क्रूटनी में उसका केस ही रिओपन नहीं किया गया था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएससी को भी आईटीआईटी तक का उन्होंने चक्कर कटा दिया, और कम से कम असेसमेंट ईयर 14-15 का केस है, 2022 में आईटीआईटी का डिसीजन आया है, तो 8 साल तो उसको भी लिटिगेशन में लग गए। तो हमारे देश के यदि ऑफिसर्स चाहें तो किसी भी एसएससी का वो 10-12-15 साल तो लिटिगेशन के अंदर खराब करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको सारी शील्ड्स मिली हुई हैं, वो कितना भी आउट ऑफ द वे जा करके फॉर एक्सट्रोनियस रीजंस वो ऑर्डर पास करें, उनके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उनके ऊपर चेक करने वाली हो। जब आपने इतना
डिजिटल सिस्टम कर दिया है, तो कम से कम आप एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप कर दें कि जो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करता है उसका बाद में जाकर के क्या होता है, एक पॉइंट सिस्टम डेवलप कर दें, चाहे उसको कोई आप पेनल्टी ना लगाएं, उससे कोई आप उसके ऊपर कॉस्ट ना लगाएं, लेकिन कम से कम एक ये तो हो कि वो जो ऑर्डर पास करता है उसको भी पता रहे कि मेरे ऑर्डर्स का आखिर में जाके हो क्या रहा है, उसके पास भी एक मैसेज आए रात को कि जो आपने एडिशन असेसमेंट ईयर 14-15 का किया था वो 2022 में जाकर के वो असेसी जीत गया, ताकि उसको कुछ तो शर्म आए। लेकिन हमारे देश का सिस्टम जो फिस्कल लॉज है वो जिस दिशा में जा रहा है वो एक इतनी दयनीय दिशा है एक असेसी के लिए, और इतना ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है और उनका हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कोई भी ऑर्डर पास करते वक्त वो ये नहीं सोचते कि क्या ये लॉ के दायरे में है या नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ की बात है ये प्रोफेशनल्स के लिए और असेसीज के लिए कि उनको इतनी लिटिगेशन जो है वो झेलनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई एम अगेन रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज धर्मभूषण जैन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 10 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।